बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने चैनल माई ब्यूटी क्लिनिक में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ब्यूटी क्लिनिक की तमाम रेमेडीज़ आसान, पुरअसर और आजमूदा होती हैं, जिनको बाकायदा इस्तेमाल करने से वाकई ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आज मैं बालों को खूबसूरत तरीन बनाने के लिए अपना खुद का आजमूदा और इंतहाई मुफीद नुस्खा बताऊँगी कि जिसको चंद ही बार के इस्तेमाल करने से आपके बाल खूबसूरत, घने और सेहतमंद बनेंगे। ये नुस्खा 100% नेचुरल है, किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। मौसम चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का, आप हर तरह के मौसम में इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आ रहा हो या फिर वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हो, वो लड़कियां इस नुस्खे को बकायदा 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करें और ट्रस्ट मी गाइस, बिलीव मी, कि आप देखेंगे कि आपके बालों में किस कदर चमक आ गई है। बाल सेहतमंद हो गए हैं और ये मास्क बालों को बहुत लचकदार बना देगा इंशाल्लाह। तो अब आपको इतनी अच्छी रेमेडी बता देते हैं क्योंकि आप जानने के लिए बेताब होंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं कि मास्क कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए फ्रेश एलोवेरा ही इस्तेमाल करना होगी क्योंकि जितना जल्दी रिजल्ट फ्रेश एलोवेरा से मिलता है, उतना बाजार वाली एलोवेरा जेल से नहीं मिलेगा। एलोवेरा जेल को हम पहले तैयार कर लेंगे। अब एलोवेरा को हम निकाल लेंगे, दोनों कॉर्नर से इसका ये उतार लेंगे छिलका और दरमियान में से कट करेंगे। इसके लिए हमें 3 चम्मच की ज़रूरत थी एलोवेरा की, इसलिए हम 3 चम्मच निकाल लेंगे। आप भी 3 चम्मच निकाल लें जितनी ज़रूरत होगी। अब इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। दो चम्मच हम जैतून का तेल लेंगे यानी ऑलिव ऑयल। और 1 अदद हम अंडा लेंगे। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप अपने बालों में 1 घंटा लगा रहने दें और फिर अच्छी तरह शैम्पू से धो लें। और एक टिप ये भी दूंगी कि रूखे बालों पे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आप शैम्पू करते हैं तो आपके बालों पे इतना फ़ायदा नहीं मिलता। जिस दिन मैंने बाल धोने होते हैं तो कोशिश करती हूँ कि रात को ही ऑयल लगाकर सो जाऊँ। नहीं वक्त मिलता तो मैं बाल धोने से कम 2 घंटे पहले लाजमन ऑयल लगा लेती हूँ, फिर मास्क वगैरह लगाती हूँ तो रिज़ल्ट दुगना मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ख़ास अपनी आजमूदा रेमेडी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब इजाज़त दीजिए, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।